पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिरी दिन है, टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, 5 लाख का फिगर क्रॉस हो चुका है, और जो उसके पीछे बैक एंड के ऊपर टीम थी वो एसएमआईटी की टीम थी, सैलानी की टीम थी। इस टेस्ट के पीछे जो बैकबोन है वो जिया सर की है। तो जिया सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिया 5 लाख का, आपके लास्ट कमेंट क्या होंगे? मेरे लास्ट कमेंट ये हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ घूमने आता था, ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं ना सारे वॉलंटियर, मैं वाकई सारे सैलानी के वॉलंटियर्स हैं, इमरान भाई हैं, हमारे पठान ब्रदर्स हैं सैलानी के, मेरे महबूब, और इन सब लोगों ने काम किया है। ये सामने दानियाल भाई खड़े हैं, ये सारे लोगों का रगड़ा लगा, मैंने मेरी इंटरटेनमेंट है। मगर असली काम अब शुरू होना है। असली मसला ये है कि ये बात तो हो गई है कि लोगों में वो क्रिएट हो गया है जज्बा और जुनून और अवेयरनेस, अब उसको डायरेक्ट करना एक अपना है, क्योंकि पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है मुश्किल, गोरों के लिए भी मुश्किल है, मैंने गोरों को भी पढ़ाया है, मगर पाकिस्तानियों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बैकबोन मतलब बैकग्राउंड भी नहीं होता इंग्लिश और मैथ्स का। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो एकदम जान लगा के तैयारी करें अपनी, और इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी बदलेगी अगर वो भागेंगे नहीं। इस टेस्ट के पीछे जो माइंडसेट था, जो एक कह रहे हैं क्रिएटिव माइंड होता है, और गवर्नर साहब ने हमेशा ये बात बोली है कि इस बंदे के बगैर टेस्ट होना, ये पूरा एकम्प्लिश करना बहुत मुश्किल नहीं नामुमकिन था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो नागौरी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख बच्चों ने टेस्ट दे दिया, कुछ अरसे बाद इनकी क्लास स्टार्ट होंगी, तो किस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये गवर्नर साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने ये जुमले कहे, ये अल्फाज कहे मेरे लिए, लेकिन बेसिकली ये जो ना एक विज़न जो है, ये देखें हज़रत बशीर फारूकी, अलामा बशीर फारूकी साहब का और सर ज़िया ख़ान का, जिस तरीके से ये 20 साल से आईटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और उसी चीज़ को लेते हुए देखते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी साहब ने सिंध अपने गवर्नर हाउस के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए। किस चीज़ के लिए? आईटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब जो ये मरहला आप देख रहे हैं, ये अभी आखिरी अपने अख्ताम पर है, अपने आखिरी मराहल में है, और इसके बाद जो अब एक टेस्ट हम और अनाउंस करेंगे, वो जिनका टेस्ट रह चुका है वो वीडियो हम ऑलरेडी जो है चलवा चुके हैं, और लिंक गूगल आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देख भी सकते हैं, गूगल फॉर्म को जाके फिल करना है, और उसके थ्रू हम जो है फिर उनको ईमेल करेंगे और बुलाएंगे। आप क्या कहेंगे लास्ट कमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैं इस टीम का हिस्सा था, अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख लोगों को मैनेज किया, हज़रत का विज़न इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ये जब क्लासेस लेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी चेंज होगी। इब्राहिम भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, 5 लाख स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना कोई आसान काम था नहीं, हमने मल्टीपल डेज लिए, मल्टीपल शिफ्ट्स लिए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम इन 5 लाख के 5 लाख को 14 अगस्त से पहले एंटी टेस्ट लें, और उसके बाद 14 अगस्त को इनकी रिजल्ट अनाउंसमेंट करके और फौरन से अगस्त में इनकी क्लासेस शुरू कर दें। बाशीर भाई, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, याद रखिएगा ये जो डॉलर्स आप कमाएंगे इसके पीछे सैलानी था, क्योंकि पहला स्टेप सैलानी ने आपके लिए लिया, और आप डॉलर्स कमाएंगे सैलानी था और सैलानी है, सैलानी रहेगा आपके पीछे इंशाल्लाह। तो डॉलर्स कमाएं और अब इंजॉय करें। आप क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत से सैलानी वेलफेयर और हमारी पूरी टीम ने इस टेस्ट के अंदर एफर्ट किए, बस आप लोगों को दिल लगा के पढ़ना है, और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आप ही के हाथों में। आप जो कि गवर्नर साहब के हिसाब से कहा जा रहा था कि 15 से 20 लाख रुपए आप इस चीज़ ये टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, टेस्ट करने के बाद आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो 15 से 20 लाख आप कमा सकते हो। जो मौका हमें मिला, हमें आज वो चांस दिया जा रहा है कि हम दूसरों को मौका दें, और दूसरा हम उसका पार्टिसिपेट करके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सुन रहा था कि आपने डॉलर कमा लिए हैं अभी महीने, अभी रिचल आप वो छोड़ो, लास्ट का नहीं बताओ, रिसेंट बताओ कितने कमाए अभी रिसेंट, सिर्फ इस महीने लास्ट महीने। अभी मैंने $200 का ऑर्डर कंप्लीट किया है। अभी $200 या 200 रुपए की बात कर रहा हूँ, आप ये कंफर्म कर दो जरा, लोगों को बता दो, मुझे भी कंफर्म कर दो कि 200 या $200। अंकल आपकी एज कितनी है? 67 है। 67 और माशाल्लाह अभी आप टेस्ट देने आए हैं यहाँ पे। जी जी।
और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, मैट्रिक क्या आपने एंटर किया है? डबल एम ए एम एड। डबल एम ए माशाल्लाह अंकल ने किया हुआ है और अभी टेस्ट देने आए हैं। ये टेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं आप? टेस्ट इसलिए कि मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है, रिटायर टीचर हूँ मैं वैसे। अच्छा, टीचर हैं आप? रिटायर। हाँ। अहमद, मैं बता सकता हूँ इस वक्त टेस्ट जस्ट अभी फिनिश हुआ जी और पेपर चेकिंग स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 10 मिनट भी नहीं हुआ, अगर हम गलत ना हो 10 मिनट भी नहीं हुए। जैसे हमारे कंट्रोल में पेपर्स आए हैं, पेपर छपना चेकिंग होना स्टार्ट हो गई है और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है। ठीक है, AI है, जो आप मार्क करेंगे वही आपका रिजल्ट AI शो करेगा और वही रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। الحمد للہ رب العالمین، آج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گورنر ہاؤس میں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد بچوں کی موجود ہے اور سیلانی الحمدللہ 10 سال سے اللہ کی رحمت سے یہ کام کر رہا ہے اور پہلے 2018 میں ہمارے صدر پاکستان ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوئے اور اب چونکہ وقت ہو رہا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بولو چما آج اگر میں یہاں حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کا نام نہ لوں تو شاید یہ اہتمام اور انتظام مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور اور زوردار تالیاں مولانا بشیر فاروقی صاحب اور سیلانی ٹرسٹ کے لیے ضرور بجائیں، کیونکہ حضرت صاحب کا جو ساتھ ہے اور جو ہاتھ ہے شفقت والا، اسی کی وجہ سے بہت سارے کام جو ناممکن ہوتے ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں۔